कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आईना चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको मैं हर रोज एक नया उपाय बताता हूँ। आज भी मैं एक नया उपाय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ये उपाय निश्चित रूप से उस भाई बहन को फायदा उठाएगा जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वैसे तो अगर आप कभी भी उलझन में पड़े तो गीता में लिखा हुआ अध्याय, गीता में लिखी हुई बात को जरूर पढ़े ताकि आपको रास्ता मिले। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ और उनके लिए बता रहा हूँ जो अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। दिमाग उनका बहुत तेज है लेकिन बता नहीं पाते हैं। उनका फायदा लोग ही उठा लेते हैं, उनकी सुंदरता का फायदा, उनकी वाणी का फायदा, उनकी कला का फायदा, उनके विचारों का फायदा लोग उठा लेते हैं, लोग पैसा कमा लेते हैं, लोग फिर उसको मुंह नहीं लगाते और फिर उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए उसी दुनिया में छोड़ देते हैं। अब मैं ऐसे भाई बहनों को सावधान करता हूँ, आपको किसी के नीचे लगने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं को ताकतवर बनाना है। अगर आप में है बहुत सारी कला, अगर आप में है आत्मविश्वास, अगर आप में है गुण, अगर आप में है बोलने की क्षमता, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे काम है जो वाणी से होते हैं, विवेक से होते हैं, ज्ञान से होते हैं, कला से होते हैं, लेकिन आपकी कला, आपकी वाणी, आपका विवेक सो जाता है और आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिर आप रोने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं, कोई अच्छा मार्ग बताता है उसे भी नहीं सुन पाते हैं, नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, खिंच चढ़ी रहती है, गुस्सा आता रहता है, समय पे पैसा नहीं मिलता है, समय पे किसी का साथ नहीं मिलता है। अगर आपके पास इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बना दूंगा लौह पुरुष, मैं आपको दूंगा वो ज्ञान, वो शक्ति, वो विश्वास जिसकी वजह से आप हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। अपने विश्वास को जगाने के लिए आपको मैं आज ही चैलेंज करता हूँ कि आपको उठना है और अपने जीवन में खुद दौड़ लगानी है। जैसा कि हमारा शरीर बीमार होता है तो हमें स्वयं दवाई लेनी पड़ती है, जैसे हमें थकान होती है तो वो थकान हमें खुद मिटानी पड़ती है, जैसे हमें मॉर्निंग वॉक करने के लिए खुद अपने पैरों को चलाना पड़ता है, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। ऐसे में ही मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको बना देगा एक्टिव। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुने। आपको एक तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे में जल भर के रात के समय अपने दाहिनी ओर बेड के साइड में रखना है, उसके अंदर एक सिक्का डाल देना है, चाहे वो एक रुपया हो चाहे वो दो रुपया हो, लेकिन डालना सिक्का है उस गड़वी के अंदर रख देना है। और जब आप सोते हो उस समय आपको ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे के 9 बार जप करके सोना है। जैसे कि आप 9 बार जप करके सोएंगे, उसके साथ ही आप पाएंगे कि आप बहुत ही गहरी नींद में चले गए हैं। इस गहरी नींद में चले जाने के कारण आपको नींद अच्छी आएगी और सुबह जब आप उठते हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः या ओम क्लीं कृष्णाय नमः या और जय सिया राम या अल्लाह अकबर या सतनाम श्री वाहेगुरु, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसका नाम, उसका सिमरन 9 बार करें। जो तांबे की गड़वी आपने रखी है अपने राइट साइड में, उठते ही उसके अंदर अपना मुंह देखे पानी में और उस पानी को किसी भी सूखे पेड़ में डाल दें, उसके बाद में आप अपनी नित्य क्रिया करें, देखिएगा बहुत ही जल्दी आप एक्टिव हो जाएंगे। ये उपाय 5 या 6 दिन करें, आप जल्दी उठने लग जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका नर्वस सिस्टम बढ़ेगा। ऐसी क्रिया करने के बाद आप निश्चित रूप से एक ऐसे रास्ते पर पहुंचेंगे जिस रास्ते की आपको जरूरत थी,
तो आप ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें, हम देंगे आपकी बात का जवाब। और मित्रों, बेल आइकन को दबाना ना भूले। जय सियाराम, ओम नमो नारायण।